आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि विंड चाइम जो हम लगाते हैं तो विंड चाइम को लगाते वक्त या लगाते समय या उसके बाद आपको क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, विंड चाइम जो है घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है, इसमें दो राय नहीं है। एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में बिखरती जाती है, इसे घर में लगाना शुभ माना जाता है। आजकल ज्यादातर घरों में आपको विंड चाइम देखने को मिल ही जाएगा। सिर्फ विंड चाइम को खरीद लेने से या घर में कहीं भी लगा देने से मतलब उसका हल नहीं है, बल्कि फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम को घर में सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। विंड चाइम को घर में लगाने से सौभाग्य बढ़ता है। बहुत से अनजान लोग विंड चाइम को घर में लगा तो लेते हैं, लेकिन इसे लगाने के बाद कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आपको दिखने में तो बेहद आम सी बात लगती है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो नकारात्मक निकलता है। फेंगशुई की माने तो किसी को भी भूलकर विंड चाइम के नीचे नहीं बैठना चाहिए। यह आम सी गलती अधिकतर लोग कर देते हैं। यही नहीं, जिस जगह पर विंड चाइम लगा हो उसके नीचे से भी कभी नहीं गुजरना चाहिए। कहते हैं कि अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका स्टोर रूम, टॉयलेट और किचन है तो वहाँ पर मेटल की विंड चाइम ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसका लगाना शुभ माना जाता है। फेंगशुई के अनुसार 6, 7, 8 और 9 रॉड या घंटियों वाला विंड चाइम को ही घर में लगाना चाहिए। बता दें कि इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। साथ ही 7 और 8 रॉड या घंटियों वाले विंड चाइम को घर में लगाने से सौभाग्य आता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।